नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और हमारे साथ हैं प्रोफेसर रतनलाल। रतनलाल जी, एक बात बताइए, देश के अंदर धरने प्रदर्शन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अभी 5 तारीख को भी बता रहे हैं कि भारत बंद है, तो क्या भारत बंद है या कोई पार्टी विशेष कर रही है या जनता ही इसको धरना बंद करने के मूड में है? सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना, ये हम संविधान प्रदत्त अधिकार है, संविधानीय अधिकार देता है जी, और हर नागरिक को देता है। 5 मार्च को भारत बंद का की घोषणा हुई है और ये किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी संगठन का कोई कॉपीराइट नहीं है, समाज की ओर से प्रोटेस्ट आ रहा है जी। और इसके पीछे जो कारण है कि 5 मार्च 2018 को ही 13 पॉइंट रोस्टर आया था जी, तो 1 साल पूरा हो रहा है और सरकार जिस तरीके से टाल मटोल कर रही है जी, वो मतलब गौरतलब है जी। 3 तलाक पे ऑर्डिनेंस आ सकता है, साधु को पेंशन मिल सकता है, गैर संवैधानिक आरक्षण जो है वो 11 घंटे में दोनों हाउस से पास हो जाता है, 48 घंटे में कानून बन जाता है। तो और इधर जो संवैधानिक आरक्षण है SC ST OBC का, वो सरकार वो फाइल अभी घूम ही रही मंत्रालय में, कह रहे हैं अखबार में हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनेंस का फाइल मूव किया है, कैबिनेट अप्रूवल के लिए गया है जी। तो ये जो सरकार की लीला है, ये लीला को देश की अब जमात जो है बहुसंख्यक जमात वो समझ रही है जी। तो जब तक जाहिर है, जब तक सड़कों पे नहीं उतरेंगे तब तक अधिकार कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि ये टाल मटोल करने की स्थिति में है जी। कि गैर संवैधानिक आरक्षण आपको इतना हड़बड़ी थी लाने के लिए, और इधर सुप्रीम कोर्ट से आप ऑर्डर आया है कि भाई आदिवासी लाखों की संख्या में 16 स्टेट के आदिवासी को खाली करना है जंगल जी। भाई जब कानूनी पेचीदगियाँ यहाँ दिल्ली में रहे पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो क्या वहाँ आदिवासी लोग जो भोले लोग हैं वो समझ पाएंगे? क्या सरकार ने मौका दिया, ईमानदार प्रयास किया? तो नहीं। कॉरपोरेट के साथ मिलकर और कुछ उनके दलाल NGO होंगे उनके साथ मिलकर लाखों की संख्या में जो आदिवासियों को जंगल खाली कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये भी हमारा मुद्दा है। रोस्टर का मुद्दा और ये मुद्दा दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि 13 पॉइंट जो रोस्टर है उसमें भी देखिए तो आदिवासी की नौकरी 400 साल बाद लगेगी, तो एक तरफ रोजगार भी छीन रहे हैं, नौकरी भी छीन रहे हैं, दूसरा तरफ घर भी खाली करा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मार जो इस सरकार ने आदिवासियों पर दी है, इन तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर कई संगठनों ने ये वायरल हो रहा है कि 5 मार्च को भारत बंद, ये 13वीं भी है, इस सरकार ने तो आरक्षण के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की 13वीं कर दी जी। तो चुनाव आ रहा है और सरकार के इस सरकार के जो है 13वीं करने का वक्त आ गया है जी। जैसे भारत बंद हुआ था 2 अप्रैल के, तो उसमें खासतौर से जो कैटेगरी थी वो SC कैटेगरी थी, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि जो 13 पॉइंट रोस्टर है उसमें क्या सिर्फ जो 5 तारीख को धरना, ये जो भारत बंद कर रहे हैं, सिर्फ SC कैटेगरी आएगी या इसमें SC ST OBC सभी लोग आएंगे, सभी माइनॉरिटी वाले सभी लोग आएंगे? इसमें पहले भी सभी लोग थे जी और इस बार भी सभी लोग होंगे जी। और वही नहीं, जो इंसाफ पसंद जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो भी इसमें आएंगे। और आरबीए सांसद मनोज झा ने भी ट्वीट किया है और RJT के तेजस्वी जी ने भी ट्वीट किया है, कई और लोग जो हैं, बामन मिश्राम हैं, वो भी लगातार लग रहे हैं, आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ जो मोर्चा जो समिति बनी है वो तमाम आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं। तो इसमें तमाम इंसाफ पसंद लोग कि साल भर में सरकार ये आंकड़ा पेश करे कि SC ST OBC के कितने अधिकार सुरक्षित हुए हैं, आप सुरक्षित नहीं हो रहे, टाल मटोल कर रहे हैं जी। तो आपकी नागपुर की जो लीला चल रही है वो हम लोग समझ रहे हैं और ये आपको 5 तारीख जो है लैंडमार्क होगा, उस दिन समझ लीजिए सरकार के जाने की घोषणा हो जाएगी।